अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी पाए बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हमने बनाए हैं बड़े के पाए, बहुत ही लेसदार, बहुत ही यमी से ये बनते हैं। तो इनको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और बहुत ही सौंधे सौंधे मज़ेदार से ये बनते हैं। तो इसकी रेसिपी को आपने पूरा फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है, आप हैरान कर जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में उतने ही मज़ेदार। तो यहाँ पर मैंने दो पाए लिए और उनको अच्छी तरह से धोकर उसके बाद मैंने गलने के लिए चढ़ा दिया। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में पाए को देखिए गलाया है और आप देख सकते हैं पाए बिल्कुल अच्छी तरह से गले हुए हैं। जितने अच्छे पाए गले हुए होंगे उतना ही अच्छा लेस बनेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें ये जितना भी इसमें ऑयल नज़र आ गया है, ये गलने के बाद जो इसकी हड्डियों में से नलियों में से निकलता है तो ये पूरा अरोमा आपको नज़र आ गया है इसमें। ये देखिए कितना सारा ऑयल ऊपर दिख रहा है। तो पाए सिर्फ मैंने सिंपल इसमें नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला, और इसको ज़्यादा से खुले पानी में मैंने रख के चढ़ा दिया था और इनको अच्छी तरह से गला लिया। तो पाए हमारे यहाँ पर गल चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे और एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। ये देखिए इतना बारीक कटा हुआ प्याज है और इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है, प्याज फ्राई हो चुकी है। तो हमने इसी तरह से गोल्डन कलर आने तक ही प्याज को अच्छा सा फ्राई करना है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जावत्री डाल गई हूँ, जावत्री की एक स्टिक डाली है और थोड़ा सा मैंने जायफल का पीस डाला है। जायफल जावत्री दोनों डाल देंगे। और अब यहाँ पर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच और इसको मिला लेंगे। जायफल जावत्री डालने से पाए का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े का जायका बनता है इसकी ग्रेवी का। तो हल्का सा ही बस यहाँ पे इसको पका लेना है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो अब मैं इसमें ड्राई मसाले डाल गई हूँ। तो उसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच खुश्क धनिया लिया है, 2 चम्मच खुश्क धनिया इसमें ज़्यादा जाता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और नमक मैंने यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि जब मैंने पाए को गलाया था तो उस टाइम मैंने नमक डाल दिया था। हम बाद में टेस्ट कर लेंगे, अगर नमक कम होगा तो हम बाद में डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस हल्का सा ही पकाना है कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट तक बस इसको पकाएंगे हम यहाँ पर। तो ये देखिए मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से पक चुका है। तो गैस का फ्लेम बंद करेंगे, इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लिया है, इसमें मैं 1/2 कप दही डाल गई हूँ और अब ये मसाला इसमें डाल देंगे और ठंडा करके ही डालना है। अगर आप गर्म डाल देंगे दही में तो दही फट जाता है उससे। तो अब इन मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। मसाला देखिए ग्राइंड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर ये देखिए यखनी में इसको शामिल कर देंगे। और जो आपने ग्रेवी रखनी है वो कम रखनी है, इससे क्या होगा अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बना लेंगे तो पाए का जो शोरबा है वो पतला बनेगा और लहसदार नहीं बनेगा। जग में भी हमने थोड़ा सा पानी डालकर सारा मसाला साफ़ कर लिया अच्छी तरह से और इसको हम मिला लेंगे। तो बस अब हमने यहाँ पर इसको सिर्फ 1/2 घंटे के लिए पकाना है और इसको हल्की आंच पर ढककर पकाएंगे। इससे क्या होगा कि इसमें जो भी मसालों का जायका है वो अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही जायकेदार ये सालन बन के तैयार होगा। तो चलिए मैं इसको कवर कर देती हूँ और हल्की आंच पर इसको हम पका लेते हैं 1/2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर 1/2 घंटा हो चुका है इसको पकते हुए, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है और आप इसका शोरबा देख सकते हैं, काफ़ी गाढ़ा है
और इससे ये होता है कि थोड़ा ये लेसदार बनता है। अगर आप ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी बनाएंगे तो ये पतला हो जाता है और लेसदार नहीं बनता है। और पाए भी दूसरा डिपेंड करता है कि आपने अगर बहुत अच्छी तरह से गला लिए हैं तो बहुत अच्छा लेस निकल के आता है सालन में। ऊपर से हरा धनिया गार्निश करेंगे, मैंने पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डाला है। उससे डालने से ये होता है कि सालन का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। तो आप साथ में अलग से रख लें गरम मसाला, तो आप अलग से ऊपर से डालकर खाएं अगर आप पसंद करते हैं। मैं तो नॉर्मली ऐसे ही सर्व करती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब ये लगते हैं, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। बड़ी ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।